ओम शांति आज की तारीख है छ दस बाईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा दोनों कहते हैं कि मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे इसलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो प्रश्न है इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है उत्तर है इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस सर्विस है यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है प्रश्न किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है।, है इस रोगी और भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता तो वो रोने लगती तो अवस्था का पता पड़ जाता तुम्हें रोने की मना है गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक चंद्रमा समान सोला कला संपूर्ण संपन्न बनने के लिए पांच विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है नंबर दो बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है वरदान सतगुरु बाबा का अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तित हो रहा है आपकी पवित्र पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों भी पवित्र बन रहे हैं आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो स्लोगन है न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते